बाजारों में गणपति उत्सव की धूम देखते ही बन रही है। इस वक्त मैं आईटी चौराहे के पास हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं गजानन की बड़ी ही खूबसूरत खूबसूरत प्रतिमाएं यहाँ पर रखी हुई हैं। देखिए, अगर हम गणपति उत्सव की बात करें तो इस 10 दिन के उत्सव में हर किसी के अंदर एक मनोकामना रहती है कि गणेश उनके घर पधारे और उनकी सेवा सत्कार की जाए। यहाँ पर गणेश जी के अलग अलग रूप और रंग की प्रतिमाएं रखी गई हैं और बड़ी ही खूबसूरती के साथ उनको बनाया गया है, सजाया गया है, सवारा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके से मूर्तियाँ रखी गई हैं और ख़ास तौर से गणपति की अगर हम बात करें तो लोग इको फ्रेंडली गणपति को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं ताकि किसी तरीके का कोई पॉल्यूशन ना हो। तो अगर हम इको फ्रेंडली गणपति की बात करें तो वो एक मिट्टी और ख़ास तौर से जो पेड़ के जो बीज होते हैं उससे बनाए जाते हैं। आप ये बताइए, अगर हम गणपति की बात करें तो यहाँ पे बाल उनका बाल, है तो जी सर, क्या क्या चीज़ें हैं? मट्टी के बहुत आइटम, कलकत्ते गए, बॉम्बे गए, आगरे गए, बनारस गए जी सर। और ये भी प्योर काली मिट्टी दिखा दे रहा है, ये इसी मट्टी कच्ची मिट्टी ये भी है मैम, ये देखिए ये मिट्टी के केवल लगा हुआ, ये देखिए ये सजावट इको फ्रेंडली है, ये भी फैमिली है सर। ये देखिए मट्टी नोच के भी दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर हम गणपति की बात करें तो यहाँ पर काली मिट्टी से लेकर अलग अलग तरीके की मिट्टियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, एक टाइम था जब महाराष्ट्र में गणपति की धूम होती थी, लेकिन अब पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कोनों पर गणेश उत्सव की धूम होती है। गणेश जी के मंदिर को सजाने संवारने के लिए इस तरीके के डेकोरेटिव आइटम्स भी बाजार में मौजूद हैं। उनके पंडाल को, घर में जो उनका पंडाल आप सजाएंगे उसके लिए यहाँ पर अलग अलग तरीके की चीज़ें मौजूद हैं, साज सज्जा का चीज़ें मौजूद है, पूजा की सारी सामग्री मौजूद है। देखिए, ये जो यहाँ पे गणेश जी रखे गए हैं ये काली मिट्टी से बनाए गए गणेश जी हैं, यानी कि पूरी तरीके से ये इको फ्रेंडली गणेश जी बनाए गए हैं। और ये जो सामान आप यहाँ पर देखेंगे ये इनकी साज सज्जा का सामान है। अब हम ये जानेंगे कि आखिरकार ये वाले जो गणेश जी हैं इनको किस तरीके से बनाया गया है और इसको जो खरीदने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि ख़ास तौर से गणेश जी को घर में 10 दिन तक लोग रखते हैं और उसकी अपनी एक खूबसूरती होती है। आप ये बताइए, ये जो गणेश जी हैं ये किस तरीके से बनाए गए हैं, क्योंकि आजकल लोग इको फ्रेंडली की तरफ ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैम देखिए, ये तो पहले तो कच्ची मिट्टी है और ये गंगा की मिट्टी है और ये कोलकाता में है और ये लोग ज़्यादा प्रेफर करता है क्योंकि लोग घर में ही अपना करना चाहते हैं तो ये घर का अंदर पूरा डिकम्पोज हो जाती है और इसी की मिट्टी आदि पौधों में यूज़ कर लेता है। और जो आज की डेट में सबसे ज्यादा मांगा जा रहा है वो कच्चा मिट्टी मांगा जा रहा है, कच्चा मिट्टी का गणेश जी सबसे ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं। देखिए, गणेश जी को घर में जरूर लोग लेकर के आते हैं, उनका जो पंडाल है घर में जो उनकी जहाँ पे वो विराजमान किए जाते हैं उसको सजाया सवाया जाता है। आप ये देखिए, इस तरीके के जो पटरे होते हैं उसको रखा जाता है। देखिए, गणेश जी का जो आकार होता है उसके हिसाब से इस तरीके के पटरों को यूज़ किया जाता है। गणेश जी की साज सज्जा का यहाँ पे सारा सामान मौजूद है, मुकुट यहाँ पर मौजूद है, गणेश जी के वस्त्र यहाँ पर मौजूद है, 10 दिन तक अलग अलग वस्त्र गणेश जी को पहनाए जाएंगे। तो एक लाइन से यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ पूरा का पूरा बाजार गजानन की को वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए सज गया है। लोग आ रहे हैं, अपनी पसंद के गणेश जी खरीद रहे हैं, चाहे वो बाल रूप हो गणेश जी का या कितने भी। एक बात बताइए, गणेश जी की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग रूप के भी गणेश जी हैं, लोग अलग अलग रूप के गणेश जी को लेते हैं, बाल रूप होता है, कितने प्रकार के रूप हैं? देखिए, गणेश जी के तो काफी रूप हैं। देखिए, बाल रूप में ये बने हुए हमारे यहाँ गाय पे बैठे हुए हैं और देखिए मूसक पे बैठे, जो मेन ही मूसक पे माने जाते हैं, तो सबसे ज्यादा मूसक की सवारी ज्यादा मानी जाती है। और चूंकि शिव जी के पुत्र हैं तो ये देखिए शिवलिंग पे भी पकड़े बैठे हुए हैं, साइड पे देख रहे होंगे आप, मतलब बहुत प्रकार के हैं। आप देखेंगे इतनी खूबसूरत मूर्ति है कि मतलब जान जानना बाकी बोल नहीं रहे। बिल्कुल, देखिए इनकी गणेश जी की जो मूर्तियां हैं ना वो आंखों से कुछ ना कुछ कह रही हैं। साज सज्जा के सामान के साथ साथ यहाँ पर गणेश जी को वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए लोग निकल पड़े हैं। बड़ी बड़ी आकृति भी यहाँ पर मौजूद है, आपको अपने घर के हिसाब से लोग आ रहे हैं, गणेश जी की मूर्ति खरीद रहे हैं और 18 तारीख से गणेश जी घरों में विराजमान होंगे, उनकी पूजा अर्चना होगी और हर जगह रौनक, गजानन की रौनक देखने को मिलेगी और सभी लोग गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या का गुणगान करेंगे। उम्मीद करते हैं गणेश उत्सव की तैयारी आपने कर ली होगी, आप भी आइए और अपने लिए पसंदीदा गणेश जी खरीदिए और घर में उनको विराजमान करिए। लखनऊ से सारा समय के लिए कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ अलहमरा खान।